इस वीडियो में हम लाइव अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले को, जो कि डिलीवरी बॉय खुद लेके आएंगे और खुद ही अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखेंगे कि डिलीवरी बॉय खुद लेके आ रहे हैं और खुद ही अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसका क्या वजह है और क्यों कर रहे हैं, सारी डिटेल्स मैं अनबॉक्सिंग बाद ही मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो आप लाइव अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। এই বক্স করতে আবার টাকা নিয়েছে এক্সট্রা आपने यहाँ पर लाइव अनबॉक्सिंग देख लिए होंगे कि डिलीवरी बॉय खुद लेके आ रहे हैं और खुद अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्लिपकार्ट ने एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है ओपन बॉक्स डिलीवरी का, ऑलमोस्ट सभी एरिया पर यह अवेलेबल हो चुका है। कोई भी फ़ोन अगर आप प्रोसेस करते हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी देते हैं, सिर्फ फ़ोन के साथ नहीं, बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं उसके साथ यहाँ पर यह ऑप्शन दे रखा है। तो आपके एरिया पर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एरिया पर ये अवेलेबल है। जैसे मैं फ़ोन को ऑर्डर करता हूँ तो मुझे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है। अब इससे क्या होता है, फ्लिपकार्ट का कहना है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट जो आपके पास आएंगे उसके बाद पैकेज को खोल के आपको दिखाएगा कि उसके बाद वहाँ पर मोबाइल मिलता है या फिर साबुन मिलता है या फिर पत्थर मिलता है, तो सारी डिटेल्स वहाँ पर खोल पता चल जाएंगे। जैसे ही वो चीज़ें हो जाती है, अगर आपको मोबाइल मिलते हैं तो मोबाइल सही कंडीशन में है या नहीं वो आपको देखेंगे। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये मोबाइल सही लग रहा है तो उस वक्त आप ले लेंगे। जैसे आप ले लेते हो तो आपके फ़ोन पर एक OTP भेजा जाता है। ठीक है, उस OTP को वहाँ पर एंटर करना होता है। OTP एंटर करते ही आपका जो डिलीवरी होता है वो सक्सेस हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अब तक फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोसेस नहीं किया, कोई ऑनलाइन शॉपिंग से जैसे कि अमेज़न हुआ, कहीं से भी अपने ऑर्डर नहीं किया। अब वो जो चाह रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम मैं देखता हूँ कि नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करके देखता हूँ कि आखिर क्या आता है, उनको डर लगता है भाई, एक दिमाग में एक सवाल होता है कि नहीं बॉक्स जो आता है ना उस बॉक्स में क्या साबुन भर के पैकेजिंग करके तो दिया नहीं या फिर पत्थर तो डाल के नहीं दिया। तो ये सारे कन्फ्यूजन उनके दिमाग में चलता है और जो लोग करते रहता है तो उनको तो ये कोई सवाल उठने के सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए फ्लिपकार्ट ने ये ऑप्शन लाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और फ्लिपकार्ट को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऑप्शन लाने के लिए, काफ़ी सारे जो बहुत सारे लोगों का जो दिमाग में एक कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये फ़ोन मैंने कितना रुपये में प्रोसेस किया और फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रहा है। देखो, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले एक महीना हुआ लॉन्च होने का, मैंने सेकंड सेल में इसको प्रोसेस किया और इस फ़ोन का जो प्राइस है वो है 8,499 रुपीज़। पैकेजिंग प्राइस लिया था मुझे 29 रुपये का, तो कुल मिला के यहाँ पर 5,028 रुपये पड़ा। ठीक है, तो 5,028 रुपये में क्या मुझे मिला, इस फ़ोन में 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ साथ आपको 5 होल डिस्प्ले मिलेंगे 6.82 इंच का HD+ का। और ख़ास बात तो ये है कि इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी है, तो काफ़ी बैटरी बैकअप तो आपको काफ़ी मिलेंगे, लगभग 2-3 दिन तो आराम से ही चल जाएंगे। ठीक है, चार्जर की बात करूँ तो 10 वाट के चार्जर दिया उन्होंने, तो इन्फिनिक्स को मैं कहूँगा कि 18 वाट अगर चार्जर यूज़ करता तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि अभी 10 वाट के चार्जर खत्म हो जा रहे होते जा रहे धीरे धीरे करके। सभी लोग 65, 68, 128, बाप रे बहुत बड़ा बड़ा चार्जर यूज़ कर रहे हैं अभी बहुत कंपनी ने, लेकिन भाई क्या करूँ, मोबाइल की प्राइस ही काफ़ी कम है तो उसके हिसाब से 4GB 64GB ठीक है। और मीडिया टेक यहाँ पर जो प्रोसेसर उन्होंने यूज़ किया है यूनिसी
6610 का प्रोसेसर यूज़ किया, वो भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है। इसके प्रोसेसर के साथ आप फ्री फायर तो आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर आपको मिलेंगे कैमरा की क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पर 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलते हैं पीछे वाला, और सामने वाला की बात करो तो 8 मेगापिक्सल मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 4G अवेलेबल है, LTE-4G दोनों सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, सब कुछ यहाँ पर सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का वारंटी भी आपको मिलता है, हर फ़ोन के साथ मिलता है भाई। तो इस फ़ोन में आपको यही सारे चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं कहूँगा कि 8,500 के प्राइस में, इसकी प्राइस अप डाउन होते रहता है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी 9,000 हो जाती है, कभी 9,500 हो जाती है, कभी इसका प्राइस 7,500 भी आ जाते हैं। तो बिलहाल ये जो फ़ोन है इसका प्राइस 8,500 तो है, लेकिन अगर बैंक डिस्काउंट के साथ बात करो तो 7,200 रुपये भी आप इस फ़ोन को प्रोसेस कर पाओगे। तो 8,500 में मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। 4GB 64GB 5 वोल्ट डिस्प्ले, 6,000 mAh की बैटरी, जहाँ पर बिजली की काफ़ी दिक्कत होती है तो उस वहाँ पर ये फ़ोन को ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी 3-4 दिन तक आराम से बैकअप दे देंगे बैटरी। क्योंकि 6,000 mAh की बैटरी होती है भाई, 4,000-5,000 mAh का एक पावर बैंक ही होता है, तो वहाँ पर आपको बैटरी मिला है 6,000 mAh की, तो काफ़ी बहुत अच्छी बात। देखो अभी एक फ़ोन लॉन्च हुआ ना 7,000 mAh वाला बैटरी वाला, तो काफ़ी वहाँ पर भी काफ़ी हाई बैटरी देंगे, लेकिन इन्फिनिक्स की बात करूँ तो ये 8,500 में बहुत बड़ा ऑप्शन दे रहा है ये बैटरी की। तो इससे पहले भी इन्फिनिक्स बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का बैटरी देता था, अमाउंट भी काफ़ी कम था। एक्चुअली जो इन्फिनिक्स का माल होता है वो काफ़ी कम सस्ते में आपको मिल जाती है। देखो प्रोसेसर की बात करूँ, इतना बुरी प्रोसेसर तो है नहीं, बट ठीक ठाक है, इससे फ्री फायर आप तो आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और रही बात आप कैमरा की, कैमरा क्वालिटी मैंने चेक किया तो काफ़ी अच्छी है, सही कंडीशन में चल रहा है। तो मैं 1 महीने के बाद में करता रहा हूँ तो यहाँ पर अच्छी कंडीशन अभी भी चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ या फिर आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो अगर आपको फ़ोन लेना है 8,000-8,500 के रेंज में कोई भी फ़ोन, तो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, काफ़ी बड़ा ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो किसी और के साथ शेयर करके और हमें कमेंट करके प्यारा सा हमारे मदद कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे नए नए वीडियो का इंतज़ाम कर सकें। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ